बसमिल रिमरिम असलम स्टूडेंट्स ऑफ एफ एस सी पार्ट टू स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ल्स डाविन एंड न्यू डारविनिज़म टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज़ द एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन बचों हम इस लेक्चर में एवोल्यूशन के मतलक शवाहत एवोल्यूशन के सबूत, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों डार्विन ने सबसे पहले दुनिया में एक कॉन्सेप्ट पेश किया था जिसका नाम एवोल्यूशन था और जिसको हमने डिफ़ाइन ऐसे किया था कि एवोल्यूशन मीन चेंज किस में चेंज बच्चों बैक्टीरिया में चेंज बैक्टीरिया में चेंज होके क्या बनेगा बच्चों साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में चेंज होके क्या बनेगा बच्चों प्रोटिस्ट प्रोटिस्ट में चेंज होके क्या बनेगा बच्चों फंजाई फंजाई में चेंज होके क्या बनेगा बच्चों प्लांट्स प्लांट्स में चेंज हो बच्चों क्या बनेगा बच्चों एनिमल्स तो एनिमल्स अब तक जितने भी हैं इवन हम तक जो हम मल्टी सेलुलर कंसिडर किए जाते हैं डार्विन का ख्याल ये था कि ये सारे के सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ही पॉइंट से औरिजिनेट हो के आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये दूसरी स्पीशीज़ दूसरी से तीसरी स्पीशीज़ तीसरी से चौथी स्पीशीज़ और इवन के बच्चों एक बैक्टीरिया ने आज पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनको प्रोड्यूस किया इट्स अ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द एवोल्यूशन विच इज़ प्रपोज बाय द चार्ल्स डार्विन और आज तक बच्चों इस कॉन्सेप्ट के मुकाबले में कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आया और इसी को वैलिड कंसिडर किया जा रहा है खैर इसके मतलक बच्चों काफ़ी बहस हमारी हो चुकी है आगे कि डिफरेंट जो रिजन्स हैं बच्चों उनके अपने अपने व्यूज़ हैं जैसे हम एज अ मुस्लिम बच्चे हम ये कहते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त ने हर चीज़ के पेयर्स बनाए जोड़े बनाए ठीक है जैसे हज़रत आदम ले को बनाया तो उनकी बाई पसली से हज़रत अम्मा हवा को अल्लाह इज़्ज़त ने तख्लीक फ़रमाया एज़ अ बीइंग मुस्लिम हमारा ये बच्चों अकीदा है और इसी तरह ही हुआ है और हिंदुओं का बच्चों अपना कॉन्सेप्ट है कि मनु श्रद्धा वो कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं कि मनु और श्रद्धा जो हैं उनसे आगे सारी नस्ल चली है और उनको उनके जो भगवान है ब्रह्मा उसने पैदा किया ये मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो एवोल्यूशन के बारे में पेश किए जाते थे खैर अब तक जो कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है बच्चों रिलीजन से परे होकर रिलीजन से ज़रा हट कर एक साइंटिस्ट के तौर पर एक एवोल्यूशनरिस्ट के तौर पर जो चार्ल्स डार्विन है उसी के कॉन्सेप्ट को ही माना जाता है उसी के कॉन्सेप्ट को ही अब वैल्यू दी जाती तो बच्चों जो डार्विन ने कॉन्सेप्ट पेश किया था ना एवोल्यूशन का कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी बनती है इवन के दुनिया में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का इंसेस्टर सेम है तो बच्चों उसने दो एविडेंसेस अपनी उस आर्ग्यूमेंट में पेश किए कितने दो एविडेंसेस वो दो एविडेंसेस बच्चों कौन कौन से थे वो दो एविडेंसेस एक बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस था और एक फोसल रिकॉर्ड था एक बायोजियो ग्राफिकल एविडेंस था और बच्चों दूसरा फोसल रिकॉर्ड था कैसे बच्चों सबसे पहले तो उसने एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए सैर करने का या एक्सपीडिशन का सोचा और एक्सपीडिशन पर निकला एक्सपीडिशन बच्चों मैंने आपको बताया था कि ऐसा टूर होता है जो एक्सपीडिशन एक ऐसा टूर होता है जो सर्च पर्पस के लिए हो रिसर्च पर्पस के लिए ऐसा टूर जिसमें बच्चों एक बंदा रिसर्च के लिए निकले जिसमें एक बंदा रिसर्च के लिए निकलता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसको बोलते हैं बेसिकली एक्सपीडिशन तो एक्सपीडिशन में जब चार्ल्स डार्विन निकलता है तो उसे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज के शवाहत मिलते हैं तो पहला एविडेंस बच्चों बायो इसका मतलब क्या होता है शाबाश लाइफ जियो का मतलब आप लोगों को पता है मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बच्चों आप लोग में बिल फहम बच्ची हो बायोमीन, लाइफ जियो मीन अर्थ और ग्राफिकल मीन बच्चों इसका हम चलें यू लिख लेते हैं इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन तो डार्विन ने अपने टूर में बच्चों जो जो फोसल, जो जो स्पीशीज़ इकट्ठी की चाहे वो प्लांट की थी चाहे वो एनिमल की थी वो उसने इकट्ठी की किसी भी ज़मीन के टुकड़े से और वो लिविंग थी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में अलहदा अलग थी यानी किसी इलाके पर कोई स्पीशीज़ पाई गई उसने वो उठा ली किसी पर कोई किसी पर कोई तो उसका वो जो विज़िट वाला एविडेंस था बच्चों वो था बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दूसरे नंबर पर बच्चों उसने फोसल रिकॉर्ड की स्टडी की थी मैं थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड की तरफ लेके जा रहा हूँ कि बच्चों आप लोगों की बेस बने उसके बाद आप लोगों को पता चले कि एविडेंसेस का क्या होते हैं कि किस तरह से उसने इकट्ठे किए आज हम लोग इन दो एविडेंसेस के बारे में देखेंगे ये तीन एविडेंस जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेकिन हम करेंगे बड़े स्कून स्कून से बच्चों खैर चार्ल्स डार्विन जो कि बच्चों बरतानिया में रहता था ठीक है अगर वर्ल्ड मैप आपको मैं दिखाऊं तो बच्चों ये नॉर्थ अमेरिका है ये साउथ अमेरिका है ये यूरोप है ये एशिया है साथ इंडिया है ये अफ्रीका है ये ऑस्ट्रेलिया है ये सात बर अजम मैंने आपके सामने पेश किए हैं तो बच्चों होता क्या है इस यूरोप के बाहर वाली साइड पर बरतानिया है ठीक है ग्रेट ब्रिटेन लिखा हुआ ये डार्विन इधर पैदा हुआ बच्चों इसने अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट किया ठीक है यहाँ से स्टार्ट किया और चलते चलते उसने अपना सफ़र बच्चों साउथ अमेरिका के किनारों पर जारी रखा जिसको हमने पढ़ा था कि कोजल लाइन या कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका बच्चों ये यह यहाँ से निकलता है और इसकी कोस्ट लाइन में ये सफ़र करता चला जाता है सफ़र करता करता पूरी की पूरी कोस्ट लाइन में सफ़र करता है तो यहाँ पर आकर उसे कुछ डिस्टेंस पर एक बड़ा आइस लैंड मिलता है जिसका हमने पढ़ा था इट्सा गैला पेगस आइस लैंड ठीक है यही पढ़ाया था ना मैंने आपको तो जब ये कोस्ट लाइन की स्टडी करता करता बच्चों गैला पेगस आइसलैंड पर पहुंचता है और देखता है कि ये आइसलैंड एक बहुत बड़ा आइसलैंड है फर्दर ये बच्चों तेरह आइसलैंड में टूट चुका है अब ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों हमारा जो अर्थ है कहा यह जाता है कि सारे के सारे इकट्ठे थे फिर बाद में कॉन्टीनेंशनल ड्रिफ्टिंग हुई है इन अगर आपको मौका मिला नेक्स्ट पढ़ने का बी एस सी में एम एस सी में या एम बी बी एस में तो आप लोग पढ़ोगे कि ये सारी की सारी पहले इकट्ठी थी उसके बाद इनमें चेंजिंग आई ये अब दूर दूर हो गए और यही कंसीडर किया जाता है कि अभी इनको इकट्ठा करें तो ये एक दूसरे में जिक साफ पज़ल की तरह फिट हो जाएं जिस तरह बच्चों वो पज़ल गेम नहीं होती कि एक चीज़ को पकड़कर दूसरी में फिट करें वो एक मुकम्मल तस्वीर बन जाती है इसी के मतलब ये कहा जाता है कि इनको इकट्ठा किया जाए तो ये एक मुकम्मल तस्वीर है यानी ये, ये कभी इकट्ठे हुआ करते थे तो खैर ये बरतानिया से चलता है कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका में चलते चलते गैला पेगस आइस लैंड पर पहुँचता था और गैला पेगस आइस लैंड में पहुँचने के बाद बच्चों यहाँ पर यह थर्टीन आइस लैंड में फिनचीज देखता था क्या देखता था बर्ड्स देखता था फिंचिस ठीक है और उन फिंचिस में इसने एक चीज़ देखी कि वो है तो सिमिलर लेकिन उनमें डिफरेंसेस थे उनकी जो बीक्स थी सब की वो डिफरेंट थी क्या थी उनकी बच्चों बीक्स जो थी वो डिफरेंट हो चुकी थी और वो डिफरेंट बीक्स जो हैं अब डिफरेंट स्पीशी बन चुकी थी तो उसने कहा कि एक गला पेगस आइजलैंड से निकली हैं तेरह फिंचिस एक ही तरह की और वो सारी की सारी डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई हैं इसने वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया कि जिस तरह यहाँ से तेरह स्पीशीज़ एक जगह से निकलकर चेंज हो रही हैं तो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिज्म जहाँ से निकले हैं उनका ओरिजिन भी एक ही था और इसी तरह वो भी पूरी दुनिया में फैलते चले गए ये डार्विन का बच्चों आर्ग्यूमेंट था ठीक है जिसको हम बड़ी डिटेल से स्टडी इनशा करने वाले हैं तो बच्चों इसने बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को बहुत डिटेल से इसने स्टडी किया था तो बायोजियोग्राफी बच्चों चले मैं फिर आपके लिए यहाँ पर स्पेस तो है लाइफ जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अर्थ पर जो लाइफ है यानी कि बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं अर्थ पर मौजूद एनिमल और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन उनकी तकसीम बच्चों एक एवोल्यूशन का एविडेंस है मुख्तलिफ जगह पर जानदारों की प्रेजेंस हमें बताती है कि बच्चों एवोल्यूशन हुई है मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ आपकी बुक में नहीं है बच्चों सुनिएगा गौर से कि अगर एक ग्रेवयार्ड हो ठीक है चलें वो फोसल रिकॉर्ड जो है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं पहले हम इसी को हम कंसिडर कर लेते हैं तो बच्चों बायोजियोग्राफ़ी का मतलब ये कि अर्थ पर एनिमल्स और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है किसी जगह पर कोई जानदार होता है और किसी जगह पर वो जानदार मिस होता है जैसे अगर आप लोग देखें बच्चों एक रीजन है जिसको आप लोग बोलते हो न्यूजीलैंड बोलते हो बच्चों न्यूजीलैंड को आप लोग इस नाम से भी जानते हो कीवी जो उनकी क्रिकेट टीम है आप उनको कीवीज के नाम से भी जानते हो क्यों कि कीवी एक बर्ड है क्या है जी एक परिंदा है और ये परिंदा पूरी दुनिया में बच्चों सिर्फ इधर है और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता समझ रहे हो और बच्चों ऐसी स्पीशीज़ जो किसी एक इलाके में मखसूस हो जाएं और उसके अलावा वो पूरी दुनिया में कहीं ना पाई जाएं, उस स्पीशीज़ को बोलते हैं एंडेमिक स्पीशी अ स्पीशी विच इज़ प्रेजेंट ऑन ओनली वन कॉन्टिनेंट या फिर वन पार्ट ऑफ द आइसलैंड और द वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इट्स नाउन एज द एंडेमिक स्पीशी तो बायोजियोग्राफी का जो एविडेंस था वो हमें शो करता था कि कुछ स्पीशीज टोटली एंडेमिक हैं एक ही जगह पर पाई जाती हैं वो किसी और जगह पर नहीं पाई जाती जैसा कि आपकी बुक में मेंशन है आर मेडिलोस ये बच्चों एक प्ले सेंट्रल मेमल है क्या है जी प्लेसेंटल जिस तरह हम में ह्यूमन में प्लेसेंटा होते हैं ना और हम भी मैमल हैं तो ये भी एक प्लेसेंटल मैमल है और बच्चों दिखने में ये रेड जैसा है लेकिन इसकी लेंथ अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होती है यानी चूहे से ये कोई चार पांच गुना बड़ा होता है तो एर्माडीलो जो प्लेसेंटल मैमल है ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ किधर पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ये अमेरिका में ठीक है चले साउथ मैंने लिख दिया ठीक है, है आपकी बुक में सिर्फ अमेरिका लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ किधर पाया जा रहा है अमेरिका में पाया जा रहा है बल्कि यूँ कर लें कि ये बच्चों नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों में पाया जाता है तो इसकी खासियत यह है कि इन नॉर्थ और साउथ के अलावा ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जा रहा तो ये एंडेमिक स्पीशी है ये एंडेमिक स्पीशी है ऑफ अमेरिका तो आज अगर हम आर्मेडिलो की स्पीशी को देखें बचो टुडे अगर हम आर्मेडिलो को देखें इसको ये लिखा है लफ्ज़ कॉन्टेम्प्रेरी तो ये परेशान नहीं होना कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है करंट यानी कि आज की हम अगर बात करें प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट आर्मेडिलोस जो हैं बच्चों वो भी सिर्फ और सिर्फ किधर पाए जा रहे हैं साउथ अमेरिका में आज जो आर्मेडिलो पाया जाता है वो किधर पाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में ये पाया जा रहा है पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं पाया जाता तो यहाँ से ये वाजी हो रहा है कि एवोल्यूशन के कोर्स में बायोजियोग्राफ़ी का बड़ा रोल है वो किस तरह से बच्चों इस तरह से कि इन्वायमेंटल फैक्टर्स बेसिकली जिस अर्थ का जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा वो उसी तरह के ऑर्गेनिज़म्स को सरवाइव करने में मदद देगी बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स वहाँ से निकल जाएंगे यानी हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो आर्मेडिलोस है इसके लिए इन्वामेंट सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका में अब मोजों है कॉम्पेटिबल है सीटेबल है इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये किधर पाया जा रहा है साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है उसके बाद बच्चों डॉर्विन ने दूसरा जो आर्ग्यूमेंट पेश किया एविडेंस पेश किया वो फोसल रिकॉर्ड का था फोसल रिकॉर्ड तो फोसल क्या होते हैं बच्चों आप लोगों को पता होगा फोसल्स आर द बेसिकली डेड रिमेन्स ऑफ़ एनिमल्स एंड प्लांट्स प्लांट और एनिमल बच्चों जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दुनिया से चले गए और उनके जो बकाया जात बाकी हैं उनकी हड्डियां जो बाकी हैं उनको फौसल रिकॉर्ड बोला जाता है ठीक है और ये फौसल रिकॉर्ड्स किधर किधर होते हैं बच्चों ये फौसल रिकॉर्ड सैंड में पाए जाते हैं इसका तो आपको पता है रीजन uh, बच्चों रीसन बेसिकली जिस तरह ग्ल्यू नहीं होता ठीक है गोंद जिसको बोलते हैं इस तरह के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं बाज़ात बच्चों ये साहिल के किनारों पर भी मिलते हैं और बाज़त ये समंदर के अंदर सेडिमेंट्स की फॉर्म में जमा हो जाते हैं जिस तरह बच्चों आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे से पत्थर होते हैं ठीक है उनको रीसेंट बोला जाता है और ये फसल्स उधर भी पाए जाते हैं आइस बच्चों बर्फ़ ठीक है इसमें इतनी ज़्यादा खासियत है कि बच्चों अगर एक ऑर्गेनिज़म है वो फुल आइस में चला गया उस दौर में और जाकर बच्चों वहाँ पर जम गया यानी डेथ हो गई आज भी आइस में से बच्चों फुल एनिमल या फिर फुल प्लांट का फसल ले लिया जाता है यानी एक एनिमल को लेकर उसका बच्चों पूरे का पूरा जिस तरह वो जमा था उसी तरह का ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा उसको बच्चों केर केसर बोला जाता है आपकी बुक में नहीं है कैर केसर उसको बच्चों केरकेसर बोला जाता है जो आइस में प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे जानदार तो फसल्स इधर भी पाए जाते हैं उसके बाद इम्प्रेशंस हैं इम्प्रेशंस बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप किसी एक रॉक को देखो ठीक है अगर आप किसी एक रॉक को देखो और रॉक के ऊपर बच्चों कुछ अगर आप डिगिंग करो खोदो तो उसके ऊपर बच्चों कुछ इम्प्रेशन होते हैं कुछ उसके ऊपर इम्प्रेशन होते हैं जैसे ये लीफ है अगर आप रॉक को खोदोगे या वहाँ से एक पत्थर बड़ा पड़ा होगा आप उसको उठाओगे नीचे से अगर कोई उस वक़्त काफ़ी वक़्त काफ़ी मिलियन ईयर्स का अगर लीफ उधर था तो बच्चों वो लीफ अपने एक्सप्रेशन छोड़ जाता है इम्प्रेशन छोड़ जाता है तो वो भी एक फसल की बेसिकली प्लेस है वहाँ से भी फसल हमें मिलते हैं और सबसे शानदार जो चीज़ है कहाँ से हमें फसल मिलते हैं बच्चों वो है कास्ट एक कास्ट होती है बच्चों जात, और एक कास्ट होता है फसल एक कास्ट क्या होता है जी फसल ये फॉसल कैसा होता है बच्चों मैंने आपको बताया कि कुछ फसल्स पूरे के पूरे उसी तरह आइस में प्रिज़र्व रहते हैं लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स फॉर एग्जांपल बच्चों टांग होगी ठीक है बॉडी पार्ट्स बॉडी पार्ट्स बच्चों प्रिजर्व हो गए फॉर एग्जांपल कोई लेग है या कोई हम चलें शेल की एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है शेल की एग्जाम्पल ले लेते हैं ये जो गे वगैरह होते हैं ठीक है मोती वगैरह अब ये शेल जो है काफी पुराना है और इसमें बच्चों सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है शेल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों इसमें डिपॉजिट हो गए और ये किस तरह का बन गया ये बन गया स्टोन मटेरियल क्या बन गया जी स्टोन पत्थर की तरह का बन गया तो बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कास्ट जो फोसल है जो किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है या फिर ठीक है लेग हो सकती है वगैरह मैंने शेल ले लिया ऐसा फसल जो किसी के बॉडी का हिस्सा हो उसको कास्ट बोलते हैं और उसमें जब बच्चों उसकी फॉर एग्जांपल वक़्त गुजरने के साथ साथ बॉडी अंदर से खाली हो गई और उसमें आकर मिनरल्स भर जाएं सिलिका भर जाए मैग्नीशियम भर जाए कैल्शियम कार्बोनेट भर जाए कोई और मिनरल भर जाए वो टोटल बच्चों भरने से लकड़ी की तरह सॉरी पत्थर की तरह वो सॉलिड हो जाए उसको बोलते हैं इट्स अ बेसिकली पेट्रीफाइड फसल इस फसल में जिसमें बच्चों ये भर गए हैं इसको क्या बोलेंगे इट्स अ पैट्रीफाइड फौसल तो बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें पेट्रीफाइड फसल बनता है उसको बोलते हैं पेट्रीफिकेशन आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड तो बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली आर सोर्स ऑफ फॉसल्स जो बेहतरीन सोर्स हैं फोसल का वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो बच्चों फसल रिकॉर्ड हमें शो करवाता है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं जिस तरह जनाबे डार्विन ने आर्ग्यूमेंट किए थे बच्चों अगर हम क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट्स को देखें ठीक है क्रोनोलॉजिकल मेजरमेंट्स को अगर हम बच्चों रीड करने की कोशिश करें तो ये आपके सामने है ये है बच्चों क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल एक डिफ़िकल्ट टर्म नहीं है बच्चों इसको मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ इट्स आ बेसिकली रिलेटेड टू द हिस्ट्री ये हिस्ट्री से रिलेटेड है ये तारीख से रिलेटेड है यानी कि पुराने दौर में जो टाइम था और अब का जो टाइम है ये सारे का सारा क्रोनोलॉजिकल फिनोमिना है जिसको आप लोगों ने बच्चों जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी जब से ज़मीन बनी आज तक का नक्शा पेश करता है और क्रोनोलॉजिकल मैट्स में या क्रोनोलॉजिकल अपीरेंस में हम अमूमन बच्चों फ़िश की एज से लेकर ह्यूमन की एज तक हम डिस्कस करते हैं कहाँ से लेकर फ़िश की एज से ह्यूमन की एज तक हम डिस्कस करते हैं तो बच्चों जब सेडिमेंटरी रॉक्स मैंने आपको बताया है कि सैडिमेंट्री रॉक्स आर द बेसिकली रिच सॉर्स ऑफ द फोसल्स तो बच्चों जब साइंसदानों ने सेडिमेंटरी रॉक्स को खोदना शुरू किया ये रॉक का बच्चों बॉटम है ठीक है ज़ाहरी सी बात है ये आपको समझाने के लिए है बेसिकली ये रॉक मैंने बनाई है सेडिमेंटरी रॉक बच्चों इससे बेहतर है कि आप लोगों को अर्थ क्रस्ट का कॉन्सेप्ट आए ठीक है कि अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो कितने किलोमीटर होता है हंड्रेड किलोमीटर तक होता है और अर्थ को जब खोदते जाएं खोदते जाएं तो बच्चों हमें फॉसिल्स मिलते रहते हैं तो उसको आसान तरीके में समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक सेडिमेंट्री रॉक्स को एज एन एग्जाम्पल लिया है तो इन आप लोग इससे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में कामयाब हो जाओगे तो बच्चों अगर हम इस रॉक्स को देखें सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली ये बच्चों बनती है बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स और ये सेडिमेंट्स जो बच्चों होते हैं इनको हम बोलते हैं छोटे छोटे ज़रा छोटे छोटे ये पीसीज होते हैं जो इन्वायरमेंट में वज, विद द पैसेज ऑफ टाइम जमा होते रहते हैं और बच्चों ये कोई महीने दो महीने का साल दो साल का प्रोसेस नहीं होता ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है खैर बच्चों जब सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहे फॉर एग्जांपल ये बॉटम है ज़ाहरी सी बात है बच्चों यहाँ से ही बनना स्टार्ट होगी ये जो लेयर्स होती हैं इनको सट्रेटा बोलते हैं ये आपको पता है बच्चों खैर यहाँ पर लेयर्स बनना शुरू हुई वो लेयर्स किसकी होती हैं सेडिमेंट्स की होती हैं ज़रात की होती हैं और जो ऑर्गेनिज़म्स उस वक़्त में रह रहे होते हैं जब वो मर जाते हैं उधर ही डिपॉजिट हो जाते हैं वो भी बच्चों सेडिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं वो भी वहीं पर दफन हो जाते हैं जिनको आज हम लोग फोसल्स के नाम से याद करते हैं खैर बच्चों जब खुदाई की जाती है ठीक है जो सबसे डीप हिस्सा होता है अर्थ क्रस्ट का या फिर यहाँ पर सैडिमेंट्री रॉक मैंने लिखी हुई है सबसे जो डीप पोर्शन होता है या फिर सबसे ओल्ड पोर्शन होता है बच्चों उसमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके फिश के किसके फिश के खैर जब खुदाई होती है डिफरेंट लेयर्स की और हम बॉटम से ऊपर की तरफ चलते हैं तो बच्चों फिशेस के बाद हमें फॉसिल्स मिलने शुरू हो जाते हैं किसके एम्फीबियंस के ठीक है तो जब एम्फीबियंस की डिगिंग करते हैं मतलब ये सेडिमेंटरी रॉक्स है या अर्थ क्रस्ट है इसको खुदाई करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं तो बच्चों एम्फीबियंस के बाद हमें जो आगे ऑर्गेनिज़म्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं रेप्टाइल्स फिर रेप्टाइल्स की डिगिंग होती है उससे ऊपर चले जाते हैं तो हमें फॉसिल्स किसके मिलते हैं बर्ड्स के बर्ड्स से ऊपर जाते हैं तो हमें फॉसिल्स किसके मिलते हैं बच्चों फॉसिल्स हमारे तो खैर नहीं हैं अभी ह्यूमेंस हैं यानी कि बर्ड से ऊपर जा के हमें मैमल्स के ठीक है मैंस की जगह यहाँ पर लफ्ज़ लिख लें मैमल्स वो बेहतरीन है तो हमें मैमल्स के फॉसिल्स मिलने शुरू होते हैं अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये यह है कि जब बच्चों इस फिश के फॉसिल मिले यहाँ पर कोई भी एम्फीबियन नहीं था यहाँ पर बच्चों एम्फीबियन नहीं था इसका मतलब ये कि बच्चों ये फ़िश किसी पहले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है चले मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ सैनो बैक्टीरिया यहाँ पर बैक्टीरिया ही थे ना उस वक्त तो बच्चों डार्विन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है कि ये फ़िश जब ना एम्फीबियन ना रेप्टाइल ना बर्ड ना मैमल्स ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़िश है अब इससे नीचे अगर खोदेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया निकलेंगे तो उसने कहा कि ये बैक्टीरिया से इवॉल्व हुई है फ़िश तो जब फिश से ऊपर हम लोग गए जहाँ पर एम्फीबियंस थे बच्चों यहाँ पर फिशेस भी थी ठीक है यहाँ पर फिशेस भी थी और एम्फीबियंस भी थे तो उन्होंने कहा भाई ये एम्फीबियंस इस फिशेस से इवॉल्व हुए हैं जब इससे ऊपर गए बच्चों रेप्टाइल्स पर तो यहाँ पर बच्चों एम्फीबियंस भी थे फिशेस भी थी उन्होंने कहा कि ये जो रिप्टाइल्स हैं ये एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं और इसी तरह चलते चलते आज तक हम लोगों ने जो स्टडी की है उसमें बच्चों कहा यह जाता है कि एक ऑर्गेनिज़म पूर, पूरे के पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो एक ऑर्गेनिज़म से इवॉल्व हुए हैं जो बच्चों अब तक डारविनस के उस आइडिए को हम अनजस्टिफाई uh, नहीं कर सके तो इस वजह से बच्चों उसके आर्ग्यूमेंट को मारना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले से एक ही शाख से निकले हैं और वो शाख एक ही दरखत की है और इनका जो इंसेस्टर है वो एक ही है तो बच्चों ये डार्विन का बेसिकली एविडेंसेस थे जो डार्विन ने प्रपोज किए थे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस और बच्चों फोसल रिकॉर्ड एविडेंस उसके बाद जो हमारे तीन एविडेंसेस रह गए हैं इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर तो बच्चों आज तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असलम